नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक नहीं टेक्नोलॉजी विद विवेक। जी हाँ दोस्तों, आज ही हमने हमारे चैनल का नाम चेंज किया है। दरअसल जो है इसमें एक समस्या आ रही थी, हमने जो नाम पहले रखा था उससे काफ़ी सारे चैनल्स पहले से ही एस्टैब्लिश थे यूट्यूब पर, इसलिए आज हमने हमारे चैनल को नया नाम दिया है और आज से हमारा चैनल जाना जाएगा टेक्नोलॉजी विद विवेक के नाम से। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का वीडियो है गूगल फॉर्म ऐप, इसके बारे में जो है हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, क्या होता है, कैसे ये इसका यूज़ करते हैं, कैसे हम बाकी सारे हमारे गूगल फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं, उसमें जो है हमने काफ़ी अच्छे से जाना था। मैं आई बटन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि फॉर्म ऐप को जो है कैसे चलाया जाता है। आज मैं दोस्तों इसके दूसरे पार्ट की बात करने जाऊंगा, जैसा कि मैंने उस वीडियो में वादा किया था। नीचे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है सर्वे हार्ट, आज इसके बारे में बात की जाएगी। क्या है दोस्तों, काफ़ी शानदार ये चीज़ है, आपको बने बनाए मॉड्यूल इसके अंदर मिलते हैं, बने बनाए फीडबैक फॉर्म, टेस्ट, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स छोटे छोटे, बहुत अच्छा ये एप्लीकेशन है। चलिए शुरू करते हैं। हम फॉर्म ऐप को ओपन करने के बाद नीचे सर्वे हार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसने हमारी आईडी से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लॉगिन कर लिया है। अभी यहाँ पर कोई फॉर्म ऐप अवेलेबल नहीं है, हम करंट में यहाँ से कोई फॉर्म ऐप नहीं चला रहे हैं। नीचे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे फॉर्म्स का, क्विजेस का, यहाँ एक प्लस का आइकन है, यहाँ प्लस करके आप जो है फॉर्म्स को बना भी सकते हैं। कोई फॉर्म आपका ड्राफ्ट में है तो ड्राफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पर दे रखे हैं मोर्स में जाके सेटिंग, यहाँ सर्वे हार्ट का नाम जाके आप जो है और चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। फॉर्म टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं यहाँ से, क्विज टेम्पलेट देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर की वीडियोस देख सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं। और इस गूगल फॉर्म पर क्लिक करने के बाद हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जीमेल आईडी से लॉगिन होकर गूगल फॉर्म पर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों हम फॉर्म्स पर आते हैं, यहाँ देखिए फॉर्म्स पर कुछ भी नहीं है। आप क्विजेस पर आएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है क्योंकि हम आईडी पर अभी कुछ भी लेकर नहीं गए हैं। हम अब प्लस साइन पर क्लिक करने वाले हैं। प्लस साइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें दो ऑप्शन आएंगे, पहला है फॉर्म्स का, दूसरा है क्विजेस का। मैं दोनों ये आपको बारी बारी से दिखाऊंगा, पहले मैं आपको फॉर्म्स दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए फॉर्म्स पर आने के बाद आपको दिख रहा होगा हमारे पास जो है यहाँ इस एप्लीकेशन में बने बनाए फॉर्म्स हैं। अगर आप कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं, 7 क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए हैं, ये फीडबैक की कैटेगरी में आता है। हम कॉन्टैक्ट फॉर्म पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए दोस्तों ये टाइटल है, इस टाइटल को आप लोग जो है चेंज कर सकते हैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी। ये फॉर्म कैसा दिखेगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ बिल्डर के पास में प्रीव्यू लिखा आ रहा है नीचे, हम प्रीव्यू पर क्लिक करके देखेंगे ये फॉर्म जो है पब्लिकली ब्राउज़र पर किस तरीके से ओपन होगा। ये देखिए डेटा प्रोसेसिंग चल रही है, एक एनिमेशन लगाया हुआ है इन्होंने। ये देखिए यहाँ लिखा है स्टार्ट सर्वे, गेटिंग कम्प्लीट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ द पीपल। हम स्टार्ट सर्वे पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये फॉर्म आ गया है, नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना बनाया है टेम्पलेट इन्होंने दिया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना है। नीचे जाके हम थीम चेंज कर सकते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई दूसरा कलर लगा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जैसा गूगल फॉर्म में सेट करते हैं लोगो लगा सकते हैं। यहाँ वेलकम पेज में स्टार्ट सर्वे लिखा आया था, यहाँ कुछ और लिख सकते हैं। आप रिस्पॉन्सेस को अलाउ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा या सिंगल। आप क्वेश्चंस को शफल और रिशफल भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको जो है सबमिट करने के बाद आप आगे इस फॉर्म को देखिए, ये फॉर्म की लिंक जनरेट हो गई है। अब इसको यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपने भी जो भी यहाँ से भी डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों ये देखिए अब ये फॉर्म बना यहाँ आ गया है, अभी जो हमारा सेक्शन खाली था वो यहाँ फॉर्म हो गया है, मॉडिफाइड नाउ है और रिस्पॉन्सेस 0 है। ऐसे ही मैं आपको और दिखाता हूँ, ये नीचे आप देख सकते हैं कस्टमर फीडबैक, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, जनरल इवेंट फीडबैक। मान लीजिए हम जनरल इवेंट फीडबैक पर चलते हैं, 7 क्वेश्चंस इसके अंदर भी हैं। सेमिनार जैसा हमारा होता है, सेमिनार्स के टाइम जब हम क्वेश्चंस लेते हैं फीडबैक फॉर्म भरवाते टाइम, तो यहाँ से हम इजीली देखिए उसको उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोसेसिंग है इसका, क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं। ये स्टार्ट सर्वे पर हमने यहाँ से क्लिक किया, देखिए डज द सेमिनार क्रिएटेड अ वैल्यूएबल इंप्रेशन, आप यहाँ रेटिंग दे सकते हैं। डू यू फील एनी सेशन टू बी बोरिंग, आप यहाँ पर सेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं।
नेक्स्ट आप फीडबैक के पास देख रहे होंगे एजुकेशन लिखा है, एजुकेशन पर आप आएंगे तो यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप कोर्स का फीडबैक लेना चाहते हो स्टूडेंट से, आप लीव का फॉर्म बनना चाहते हो टीचर का, लीव का फॉर्म स्टूडेंट का, आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, कोई पोस्ट इवेंट फॉर्म भरवाना हो आपको, सेमिनार का फीडबैक लेना हो स्टूडेंट से, आगे आप देख सकते हैं हेल्थ का भी यहाँ पर ये हेल्थ का ऑप्शन आ रहा है। आप डाइट और एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन चार्ट बना सकते हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट बना सकते हैं, हेल्थ चेकअप मैं दिखा देता हूँ, हेल्थ चेकअप पर क्लिक करके 8 क्वेश्चंस इसके अंदर भी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रीव्यू पर इस तरीके से ये फॉर्म बनता है, डॉक्टर्स अगर इसका यूज़ करना चाहें तो। जनरली पेशेंट से जब हम फीडबैक लेते हैं मोबाइल के द्वारा तो ईजिली, ये देखिए स्टार्ट सर्वे पर हम जा रहे हैं, यहाँ पर हाउ डू यू रेट योर हेल्थ, What is your height? What is your weight? Do you smoke? Do you undergo any drugs for the past days? इस तरीके के questions यहाँ हमें बने बनाए randomly मिल जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों आगे registration के लिए भी आपको मिलेगा, आप donation का registration कराना चाहते हो, event registration कराना चाहते हो, आपको food का मिलेगा, travel and tours का मिलेगा, आपको कोई application देनी है, आप ये सब यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी criteria इनमें नहीं दर्शाया गया है तो नीचे आप देख पा रहे होंगे लिखा आ रहा है create blank form, आप क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करने के बाद जो है खुद से भी एक ब्लैंक फॉर्म को यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन देने के बाद बना सकते हैं। मैं आपको छोटा सा यहाँ पर डेमो दिखा देता हूँ, हम यहाँ टाइटल लिख देते हैं फीडबैक फॉर्म और हम यहाँ लिख देते हैं फॉर वेबिनार, हमने वेबिनार के लिए फीडबैक फॉर्म बनाना है। ये प्लस आइकन पर आप देख रहे होंगे, प्लस आइकन पर जाने के बाद हम यहाँ से क्वेश्चन ऐड कर पाएंगे। हमने यहाँ लिया, यहाँ पे हम पहला लेना चाहते हैं एक शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर हमने ले लिया है, यहाँ देंगे। अभी हमें यहाँ वो बता रहे हैं आपको इमेज या वीडियो को अटैच करना चाहते हो, हम अभी अटैच नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं योर नेम, ये हमने ले लिया है नेम, इसको रिक्वायर्ड कर दिया है, ये हमारा एक क्वेश्चन रेडी हो गया। हम दूसरा लेंगे यहाँ पर शॉर्ट आंसर लेंगे, हम यहाँ पर ले सकते हैं शॉर्ट आंसर, हम यहाँ पर ले सकते हैं मोबाइल नंबर, ये हमने मोबाइल नंबर ले लिया है और इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया है। अब दोस्तों ये फॉर्म आपको कैसा दिखेगा, आप यहाँ बिल्डर के पास प्रीव्यू में जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये फॉर्म कुछ इस तरीके से जो है पब्लिकली ब्राउज़र पर हमें दिखने वाला है। ये फीडबैक फॉर्म फॉर वेबिनार स्टार्ट करेंगे, ये देखिए जो हमने बनाया था, आपका नाम मोबाइल नंबर दोनों रिक्वायर्ड हैं, नीचे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आप थीम सेट कर सकते हैं, आप सेटिंग्स पर जा सकते हैं और आप आगे जो है सबमिट लिखा है उस पर जाकर इस फॉर्म को पब्लिश भी कर सकते हैं। हाल फिलहाल हम इसको ड्राफ्ट को बना कर देते हैं। पीछे आते हैं दोस्तों, यहाँ सेकंड थीम मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस साइन पर जाने के बाद नीचे आपको क्विजेस दिख रहे होंगे। अभी हमने फॉर्म्स की बात की क्योंकि वीडियो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, हम क्विजेस पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ देख सकते हैं जनरल क्विजेस आ गए हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चंस हैं, इन्वेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, फेमस पर्सनालिटीज के ऊपर क्वेश्चंस हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, इन क्वेश्चंस में आंसर्स भी लगाकर दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों हम आपको चलिए लेके चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर इन्वेंशंस पर चलते हैं, क्लिक करते हैं इन्वेंशंस में, 10 क्वेश्चंस हैं। ये देखिए एक पूरा सेटअप है, सिंगल सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। हम प्रीव्यू पर देखते हैं कि ये हमें कैसा दिखेगा, ये देखिए प्रीव्यू पर आ गए हैं हम। उस फॉर्म की जो है डेटा क्रिएशन यहाँ हो रही है, उसको जो है पब्लिकली मोड में लाना। देखिए ये इन्वेंशंस आ गया है, डू यू नो हु इन्वेंटेड सम ऑफ द थिंग्स वी यूज एवरी डे। हम स्टार्ट पर क्लिक करके सबसे पहले देंगे नाम, यहाँ नाम मांग रहा है, हमने नाम दे दिया है, नाम एंटर कर दिया है और स्टार्ट क्विज, ये हमारा क्विज स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन, अब जो भी आंसर हो आपको पता हो हम बीरो ब्रदर्स लिख देते हैं। नेक्स्ट आते हैं नीचे, ऐसे जैसे जैसे आप उसको भरेंगे, भरने के बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है इसका प्रीव्यू दिख जाएगा, कौन सा आंसर सही था, कौन सा क्वेश्चन गलत था, सभी चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाएंगी। तो आप इजीली ये छोटे से टेस्ट अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं आपको किसी की नॉलेज चेक करनी हो तो यहाँ पर इजीली उसको बना सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको आंसर्स दिख रहे हैं, यहाँ आंसर्स पुट कर दिए जाते हैं और सेम एज इट इज़ आपको, देखिए ये जनरल्स के थे, आप साइंस के क्विजेस कर सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्विज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के क्विजेस कर सकते हैं,
स्पोर्ट्स के क्विज कर सकते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के। और अगर आप क्विज खुद से बनाना चाहते हैं तो यहाँ बनी बनाई सेट टेम्पलेट्स हैं, हम क्रिएट ब्लैंक क्विज पर जाकर क्लिक करेंगे और जिस तरीके से हमने अभी एक फीडबैक फॉर्म का आपको सैंपल दिया था उसी तरीके से हम यहाँ पर जो है क्विजेस के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं ब्लैंक यहाँ पर आईडी लेकर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये फॉर्म ऐप क्या है बहुत ही अच्छा आपको ये लगा होगा, समझ आया होगा और किस तरीके से हम इसका यूज़ करके जो है आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं और एडवांस हो सकते हैं। और क्योंकि आज के टाइम में जो है डेटा ही सब कुछ है, डेटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है, रजिस्टर्स और ऑफलाइन काम को हम सब ऑनलाइन लेते जा रहे हैं, उसी क्रम में जो है ये सारा प्रोसेस गूगल हमारे साथ मदद कर रहा है और दिन ब दिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्कूल कॉलेजेस में इसकी मदद से हम काफ़ी सारे काम को कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।